भगवान भोलेनाथ का वो ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान शेषाई विष्णु नीचे गए। ये प्रसंग आपने पढ़ा, एक जगह मुझे और मिला। वैसे ब्रह्मा जी की पूजा की बात है तो एक स्थान है राजस्थान में पुष्कर, जहां पर ब्रह्मा जी की काठ की मूर्ति है और अनवरत पूजा हुआ करती है। एक स्थान और बना है नया काशी में, लेकिन वो श्राप फलीभूत हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो देखिए, एक जगह आदमी बड़े भैया हमको भी मिला, एक कथानक आपको मिला, एक कथानक हमको मिला। भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और जिस समय विवाह हुआ, विधि यानी ब्रह्मदेव ने हवन में गीली लकड़ियां डाल दी, धुआं उठ गया और उस धुएं की आड़ से माता गौरी को देख लिया। क्या बात! और जब देख लिया भगवान शिव के हाथ में पड़ा हुआ सर्प है, तो देखिए सर्प ने कहा क्या, तो सुर असुर की सदा पूजा, क्योंकि कब प्रसर कह रहा है झूठ। अब सबूत चलकर प्रयास देखिएगा कि सुर असुर की सदा पूजा, आदि शक्ति जगत माता, तो जिसकी अरे जिसका पानी गया है पर, क्या बात है, चूंकि उन्होंने उस धुएं की आग से माता गौरी को देखा, तो जिसका पानी गया है पर कभी पावन नहीं होता। और श्राप दे दिया तो सुना के जाओ, डाली मैया पे नजर तभी पूजन अरे जिसका पानी गया है पर वो पावन नहीं होता, और डाली मैया पे नदी नजर तभी पूजन नहीं होता। एक टुकड़ा और देखिए बड़े भैया, पूजन नहीं होता कि गुरु पत्नी हरि तूने, सुंदर कोई नहीं है और तारा कहरा हुआ किया तो कि गुरु पत्नी हरि तूने, पाप ऐसा ये कर डाला तो मूरत सुंदर की तू,
दिल से निकला है जिसके डर वो मन भावन नहीं होगा। और यहाँ भी काली मैया पे करती नजर कभी पूजन नहीं होगा। पत्थर चौथ के चंद्रमा को देखना भी वर्जित है, अगर देख लेगा कोई तो उस दिन कलंक लग जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए भादों में। तो कहना पड़ा डाली मैया पे कर दी नजर